गाड़ी है बलेरो पिकअप 1.7 टन महिंद्रा का, और ये BS6 है। इसमें क्या हो रहा है कि इसका तेल वगैरह का इशू होने की वजह से इंजेक्टर में एयर ले लिया था, तो जैसे ही सेल्फ मारते हैं तो ये लाइट आ रहा था और गाड़ी चालू होकर बंद हो गया था। तो हमने अपना स्कैनर यहाँ लगाया हुआ है और ये यहाँ पे कनेक्टर है, तो आपको दिखाते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे स्कैन प्लस एक्स ओपन करेंगे आप, उसके बाद आपको लोकल डायग्नोसिस में जाना है। लोकल डायग्नोसिस में जाने के बाद ACN में जाएंगे आप, उसके बाद वापस महिंद्रा इंडिया, ओके। उसके बाद से हम यहाँ से व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, कमर्शियल गाड़ी है ये बलेरो पिकअप BS6, और इसका हेल्थ रिपोर्ट निकालते हैं। देखिए ECM में इसके दो फॉल्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है P00880 और फिर दूसरा आ रहा है P00889B। तो फॉल्ट जो आ रहा है आपका रेल प्रेशर एक्सीडेंट करके ऐसा आएगा, देखिए ये आ रहा है P00880 मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रेल प्रेशर एक्सीडेंट एंड P00889B मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रेल प्रेशर एक्सीडेंट कंसर्निंग सेट फ्लो ऑफ फ्यूल। ये दो कोड आ रहा था करंट में। इसका ये सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बोनेट खोल के और आगे जाके चारों इंजेक्टर का एयर निकालना पड़ेगा, जो कि हमने 1x1 करके निकाला है। ये पहला नंबर है, ठीक है, ये वाला, और ये दूसरा नंबर है, आप देख सकते हैं इसमें से तेल निकाला हुआ, ये भी तीसरा और ये चौथा नंबर है। अब एयर निकल गया है तो अब इसके जाके हम जो फॉल्ट है वो आपको देखेंगे। आप यहाँ पर जो पहले फॉल्ट जो आ रहा था हमें वो करेंट में आ रहा था, अब इसका जो फॉल्ट है हिल्ड में हो गया है। तब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको एक बार फॉल्ट का रिपोर्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर फॉल्ट को क्लियर कर लेंगे। ये BS6 है तो फॉल्ट को बार बार एक बार दोबारा सेव करके रखना चाहिए ताकि आपको बाद में रेफरेंस के लिए काम आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लियर फॉल्ट कोड करते हैं, ये इस पर क्लिक किए, अब ये सारा नॉर्मल हो गया है। अब यहाँ पर हमारा गाड़ी न्यूट्रल में है, उसके बाद आपको यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से बड़ा आपको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किए। देखिए ये DPF का लाइट है, BS6 का फंक्शन है, DPF का लाइट आके चला जा रहा है और ये चेक इंजन में जो आ रहा है।